नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1:11 और मैं हूँ आपके साथ शिवानी। आइए 3 मिनट में आपको बताते हैं बिहार से जुड़ी 10 बड़ी खबरों का हाल। पटना के राजेंद्र नगर स्थित पार्क में स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव, भवन निर्माण मंत्री समेत स्वास्थ्य मंत्री और कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पटना में एक कार्यक्रम के दौरान भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने पत्रकारों से दिल्ली चुनाव में बीजेपी की शिकस्त को लेकर कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियां अपने स्तर से प्रयास करती हैं। वहीं दिल्ली चुनाव में बीजेपी की कहां चूक हुई है, ये सवाल पूछे जाने पर मंत्री जी बचते हुए और रिजल्ट का इंतजार करने की बात कहते हुए नजर आए। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सागर नाम के कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि गिरफ्तार अपराधी गेसिंग सेंटर चलाता था, जहां पुलिस ने छापेमारी के दौरान 2 गेसिंग बाजों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से गेसिंग कूपन, ताश की गड्डी और हजारों रुपए नकद भी बरामद किए गए। पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में छात्रा अपने निजी काम से घर से निकली थी। वहीं घर लौटने के दरमियान छात्रा बुद्ध मूर्ति के समीप पहुंची तो वहां छात्रा को महिला चोर ने अगवा करने की कोशिश की। वहीं आसपास के लोगों ने समय रहते हुए महिला चोर को धर दबोचा और लड़की को सुरक्षित उसके परिवार को सौंप दिया गया। साथ ही मामले पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर फिलहाल पूछताछ कर रही है। मुंगेर में कई दिनों से डिप्रेशन में रहे एक व्यक्ति ने आत्महत्या की घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खगड़िया के ठाठा में ट्रिपल मर्डर के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। सोमवार की रात पुलिस कैंप के बावजूद भी ठाठा में हुई गोलीबारी में 5 राउंड फायरिंग की गई। वहीं चौथम थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर वहियार स्थित चिमनी में 6 ट्रैक्टर भी जलाए गए। अररिया में व्यापारी को लूटने की घटना बना रहे अपराधियों को ग्रामीणों ने धर दबोचा, जिस दौरान अपराधियों द्वारा चलाई गई गोली से ऑटो ड्राइवर घायल हो गया। वहीं घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही पकड़े गए अपराधियों को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया। मुजफ्फरपुर जिला के मिठनपुरा थाना क्षेत्र में नाला निर्माण के दौरान दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच घटना की छानबीन शुरू कर मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र में रेलवे गुमटी के पास अज्ञात युवती का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज प्रखंड में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत हर घर नल जल योजना के तहत स्थापित की जाने वाली पानी टंकी के लिए विभागीय आदेश कोई मायने नहीं रखते हैं। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की जमीन में बगैर विभागीय अनुमति के पानी टंकी बनाया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की इस जमीन का फर्जी एनओसी भी अंचल कार्यालय से संवेदक को निर्गत किया गया है, लेकिन दोषी पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं इस मामले में एसडीएम विनय कुमार सिंह ने बताया कि तत्काल निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। फिलहाल 3 मिनट की खबरों बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 1:11। नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।